अभी हम इसके अंदर जाकर के देखते हैं, देखिए क्या सीन होता है। अरे भाई साहब, तो अभी आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो कच्चा ईंटा है इस तरीके से यहाँ पर बनाया जाता है, आपको दिखाते हैं। देखिए आदि मानव टाइप कैसा लग रहा है मेरे को। तो अभी हम आपको दिखाते हैं, देखिए ईंट भट्टी जो है वो कैसे उसमें आग लगता है और कैसे ईंटा पकता है। यहाँ पे भी देख सकते हैं वही वाला ईंटा जो यहाँ पे भी सेप बन रहा है, यहाँ पे तीन चार लोग लगे हुए हैं, काफी मेहनत वाला काम है और मिट्टी को इतना गीला किया गया। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज हम आपको दिखाने वाले हैं ईंट का भट्टी, कैसे ईंटा बनता है वो सब कुछ मुझे नहीं पता है, मैं पहली बार घूमने आ रहा हूँ। मेरे साथ प्रिंस भाई और केतन भाई आ रहे हैं। ये सामने देख सकते हैं ये पूरा ईंट का भट्टी है। किस लिए ये चीज़ है नीचे वाला? तो जिसे ऊपर कहीं बेस हो गया, इसके नीचे आग जलता है कहीं पे। इसके नीचे आग जलता है? इसके नीचे आग जलता है कहीं पे, दिख रहा होगा, दिखा जाए, खोजा जाए कहीं पर होगा, साइड से दिखेगा वो, साइड से इधर दिखे। यहाँ पर साइड से अभी हम लोग, अरे वो ईंटा सब जो है सब डालने के लिए, कोयला डालने के लिए। इधर देखिए साइड से पूरा इधर कोयला डाला जाता है। अच्छा, देखिए यहाँ पे जगह बनाया गया कोयला डालने के लिए। देखिए जितना भी डालते हैं पहले भरते हैं उसको, फिर चिकना करके उसके बाद उसको निकाल दिया जाता है। निकालने के बाद फिर उसको एक तरीके से शेप देंगे, मतलब रख देंगे धूप से सूखे, उसके बाद धूप से सूखने के बाद वो लेकर के यहाँ आते हैं। देखिए यहाँ प्लास्टिक के अंदर है ना, तो पूरा इसके अंदर बिछाया जाएगा, फिर आग जलता है, आग जलने के कारण जो उसका आग से ताप निकलता है उससे वो पूरा सूखता है और फिर ईंटा बनता है। तो मतलब ईंटा इधर रहता है, तो ये किस लिए है ये बनाया गया है? ये जिसे आग जल रहा है ना नीचे से, तो उसको धुआं निकालेगा ना, समझ गए, धुआं निकालने के लिए चिमनी है, ये चिमनी है इसका, ये काम है सिर्फ धुआं निकालना। इसके अंदर जितना भी आग जल रहा है, कोयला जलता है, वो सब को धुआं। आपको सब पता है आप बनाते हैं क्या? नहीं बनाते नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से थोड़ा मोड़ा जानकारी ले लेकर के करते हैं। देखिए ये क्या है, वही ईंटा ढो करके लाने, इतना मेहनत करता है लोग जी इससे लेके जाते हैं। देखिए यहाँ से क्लियर दिख रहा है ये जो है, देखिए कच्चा ईंटा है ना, ये सब कच्चा ईंटा है, तो आग जब लगेगा तो सब पक जाएगा उसमें। अच्छा मान लीजिए अगर हम उसमें आग डालेंगे, नीचे से चल सकते हैं, चलिए नीचे चलते हैं पहले। अभी हम आपको दिखाते हैं, देखिए ईंट भट्टी है वो कैसे उसमें आग लगता है और कैसे ईंटा पकता है, आपको दिख रहा है आ रहा है, हल्का हल्का तो थोड़ा सा भाप के आ रहा है, कोयला बस इतना ही भरा देखिए, तो पूरा जैसे कोयला है ना यहाँ पे, यहाँ ऐसे ही करके भरते रहता है कोयला। और भी जो मेन एक दरवाजा होगा उधर से, उसमें से भी जाता है, ये पूरा मिट्टी का लेयर बनाया गया, ईंटा इसमें रखाएगा, ईंटा रखाएगा इसमें, ईंटा रखा ही हुआ है, आप समझ में आया है। देखिए नहीं, जब जानकारी होता है तो समझने में वक्त लगता है हमें, और इस तरीके से ईंटा पकता है, ईंटा निकालते किया गया है, ये सब ईंटा जो यहाँ से ये खाली निकल गया है, ये सारा इतना सारा रास्ता है, इसमें कोयला डालाएगा। आपको राख दिख रहा है, मिट्टी है, सब राख है, ईंटा का राख है, कोयला का राख है, कोयला का राख, मिट्टी का लेप लगा दिया गया है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो कच्चा ईंटा है इस तरीके से यहाँ पर बनाया जाता है, हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे बस ये पक गया है, पका हुआ ईंटा यहाँ पे है, ये जो नीचे दिखेगा कच्चा ईंटा, इसका मतलब नहीं सोएगा, मान लीजिए टूट जाएगा, बिखर जाएगा, बतक भी है। देखिए कितनी मेहनत के साथ ये मिट्टी को अभी पूरा मिलाया जा रहा है, मिलाया जा रहा है, मिट्टी डाल कर सकते हैं। ये ईंटा बनाने वाला ये पूरा सांचा है, दिखाइए इधर से प्लेन है, इसी में है, इसमें नाम लिखा हुआ है, जो भी नाम का आपको बनवाना है वो हो जाता है, और इसमें मिट्टी डालेंगे और फिर हमारा सांचा जो है वो ऐसे बन करके तैयार हो जाएगा। सांचा बन के नहीं तैयार होगा, सांचा से ऐसे मिट्टी में ईंटा बन के तैयार हो जाएगा। जी भाई ईंटा बन के तैयार होगा, और फिर यही ईंटा को पकने के लिए डाल दीजिएगा मिट्टी में। चलिए इसी पे इसका नाम पड़ा हुआ है, ईंट भट्टा, ईंट भट्टा। शेप में देखिए मिट्टी डालेंगे एक बार में, दो दो ईंटा, और यहाँ पर देखिए ये सेब दिन भर में कितना कर लेते हैं भैया, निकाल लेते हैं। एक दिन में कितना बनता होगा ईंटा? अच्छा मतलब फिर 5-10 हज़ार तो बना ही रहते होंगे। 1,000 एक दिन में 1,000 ईंटा बनाते हैं, और एक पूरा गाड़ी सूखने में उन्होंने बताया ज्यादा हो जाएगा, वो तो सही कह रहे हैं, एक ट्रैक्टर से ज्यादा हो जाएगा, क्या लग रहा है 1,000 ज्यादा हो जाएगा ये बता रहे हैं। हाँ
इसको सूखने में लगता है 2 से 3 दिन का वक्त। ये जो मिट्टी वाला जो सेब बन करके तैयार, वहाँ देखिए बच्चे लोग खेल रहे हैं। कैसा है जी, मजा आ रहा है? ये देखिए कितना स्मार्ट लग रहा, पूरा मेकअप कर लिया मिट्टी का। चलिए यहाँ पे एक दादाजी हैं, वो भी इस साइड में बना रहे हैं। ये पूरा सूखा मिट्टी है, सूखा मिट्टी में देखिए पानी डालते हैं, है ना, पूरा पानी डाल करके साना जाता है, पूरा साना जाता है, लेकिन मेहनत बेकार हो गया यही ना, मतलब बारिश की वजह से, बारिश की वजह से नुकसान भी होता है। कच्चा ईटा है, देखिए सब कच्चा ईटा है, देख रहे हैं टूट गया है ना, पूरा मिट्टी है ये, और इस मिट्टी को पकने के बाद फिर ईटा बना देता है, देख रहे हैं किस तरह से, देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से इसको सहारा गया है। यहाँ पे भी देख सकते हैं वही वाला ईटा जो यहाँ पे भी सेप बन रहा है, यहाँ पे 3-4 लोग लगे हुए हैं, काफी मेहनत वाला काम है, और मिट्टी को इतना गीला किया गया है, इनकी मेहनत को कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं, मिट्टी को गीला करके सेप में डालना, फिर वो लोग सेप को वहाँ ले आते हैं, तो फिर इस तरीके से काम बिना रुके लगातार काम चल रहा है, फिर खाना खाने के लिए लोग रुकते हैं नहीं तो फिर और काम ही क्या है, बारिश के कारण सब खराब हुआ है, खराब हुआ है सब बारिश की वजह से, मेहनत जो है बेकार हो गया। अब देखिए इनका घर हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से घर में रहते हैं, मतलब ईंटे का ही घर बना लिया है, अगर बारिश में तो यहाँ पे भी दिक्कत होता है ना सर, इन लोग बहुत प्रॉब्लम झेलता है लोग, देखिए बॉन फायर है, लकड़ी यहीं से चला, ओ आदि मानव टाइप कैसा लग रहा है मेरे को, आदि मानव टाइप का नहीं, जैसे यहीं पर आग जलाता है लोग, बॉन फायर इसी को ना बोलते हैं, लोग एसी भी करता है, खाना वाना के लिए भी बनाएगा लोग सारा चीज, सब घर है उन लोग का, वैसे ही कपड़ा सूखने के लिए, कितना छोटा सा एकदम घर है, इसमें आपको हम लोग के हाइट के जितना भी नहीं है, तो वो लोग देखें अब क्या लेकर के आ रहे हैं, वो सब बोझा है जो मतलब खेत में से एक्स्ट्रा जो निकाला गया है, हाँ। वो आलू इस सब के बाद जो आलू का पत्ता आलू अच्छा। का पत्ता है वो, ये देखिए यहीं पर आलू का पत्ता जो लेकर के इसमें गिरा हुआ है, वही करकट ईटा रख करके करकट लगा लिया विदाउट सीमेंट, कोयला जलाया जाता है, यही अभी बंद कर दिया गया है इसलिए कि कोई इसमें घुसे नहीं, पूरा आग जलते रहता है, इसके अंदर अभी गर्मी है, खोखला नहीं है इसके अंदर, देखिए वहाँ से ऊपर से जाने के लिए है कोयला, अभी हम इसके अंदर जा करके देखते हैं, देखिए क्या सीन होता है, अरे भाई साहब इसके अंदर पूरा इसे जाने का रास्ता है, पूरा मीठी खाई है सब, ऊपर ये क्या है, वो पूरा ऊपर लग रहा है सीमेंट का लग रहा है, बनाया गया ढलैया किया गया सर, उसको बंद किया गया है, तो कैसे वो बंद करेंगे, उसको मिट्टी लगा करके ईटा पूरा सेट करके और बंद किया गया है, इसलिए बंद किया गया है कि कोई उसमें घुसे नहीं, क्योंकि इसके अंदर अभी आग जल रहा है, खुद गर्मी महसूस कर रहे होते हैं, अंदर थोड़ा गर्म लग रहा है हम लोग, और उसको इतना ईटा से मतलब मोटापा देख रहे हैं आप, थिकनेस देखिए, इतना अगर मोटा कोई दीवार बनाया जाएगा ये आप देख सकते हैं इतना मोटा, इससे भी अभी मोटा होगा, इससे मोटा होगा हाँ, तो वो गर्मी हल्का कम आएगा ना, और उसी के अंदर से फिर आग जलता है, ये पूरा देख रहे हैं ये जो इसके अंदर से फिर वो ऊपर से धुआं निकलता है, फिर उसके बाद आप अपना सपनों का घर बनाते हैं। सो गाइस काफी अच्छा लग रहा है ईटा का पट्टा भट्टा घूम करके, हम लोग तो पहला बार देख रहे हैं, देखिए उधर दूर तक एक काम होता है, पूरा कोयला है, इसी को मतलब एक कोयला का पूरा बारूद है, इसको ही जलाने के लिए यूज किया जाता है, हमने आपको दिखाया दुनिया का सबसे बड़ा कुतुब मीनार, ईंट का भट्टा, सॉरी कुतुब मीनार मान लीजिए भाई, जैसे कि हमको पता है, इनको पता है ईंट का भट्टा, आपको थोड़ी पता है, आपको थोड़ी पता है, ये हमारा ओला, तो ये हमारी मोटकी, और हमने पूरा घूम लिया गाइस, बहुत मजा आया, पहली बार हम गए थे इसमें, एक्चुअली हम ऐसे कभी तो गए नहीं थे, सौभाग्य मिला भैया का, सौभाग्य मिला बोले कि हाँ इनका सौभाग्य मिला कि जाइए आप घूम लीजिए, तो हम लोग घूम लिया, बड़ा मजा आया, चलते हैं अभी हम लोग, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।